हाँ, भीम घर पे तो नहीं है और पार्क में भी नहीं, तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। ख्वाहिशों का बादशाह नाम है राकासुर। लाओगे कुछ चमकीला तो पूरी होगी एक इच्छा जरूर। राजू और मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी चाहिए। और मुझे लंबे बाल चाहिए। सुना है तुम हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। राजा सूर्या के पास एक जादुई चंदन का सिंहासन है। कहते हैं ऐसा सिंहासन राजा को प्रजा की रक्षा करने में मदद करता है। मुझे वैसा ही एक सिंहासन चाहिए। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। वाह, शुक्रिया राकासुर, शुक्रिया। महाराज, गांव वालों के साथ राकासुर नाम के एक जादूगर ने बहुत बुरा किया। उसने लोगों की चीजों की अदला बदली करके पूरे गांव में लड़ाई शुरू करवा दी। क्या? हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। मैंने राकासुर को तिजोरी के सारे हीरे दे दिए। हमें उसे रोकना होगा। बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है
जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। भीम घर पे तो नहीं है और पार्क में भी नहीं, तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी, लूट लो इन्हें और मंगल सिंह की टोली को इंसाफ दिलाओ, तब तक हम महल होकर आते हैं। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूलजा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा, पर हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्यों भीम, कुछ याद आया? ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तुम तो मंगल सिंह के दुश्मन हो। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। दोस्तों, सब के सब छुप जाओ। अरे वाह भीम, तुमने तो मंगल सिंह की टोली का नाम रोशन कर दिया। जी सरदार, मुझे तो एक और कमाल की चीज मिली है। ऐसी क्या कमाल की चीज है? ओ नहीं, लगता है भीम को सब याद आ गया। कौन है, यहाँ कैसे आए? मैं बताता हूँ, महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। रोक दो यहाँ। हम इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। मछुआरे चाचा, हम गोता लगाकर देखते हैं आखिर ये राक्षस क्या चीज है। और मैं वॉकी टॉकी की मदद से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ओवर। ओवर। और ऐसी उनसे बचते बचते मैं इस ढांचे में फंस गई।
अजीब आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके, लेकिन मिलता क्या है? ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई? एक तो तेली राम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। ओह, भीम अभी तक नहीं आया, आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? मुझे अपने लैब के लिए एक नई और बड़ी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी फिरकी लेके। जाओ यहाँ से फिरकी लेके। ढोलकपुर में चलो दोस्तों। अरे कोई बचाओ, अरे कोई मेरी गाय को बचाओ, अरे मेरी बकरियाँ। अरे भाई क्यों गला फाड़ रहे हो, क्या हो गया? अरे मैंने अभी अभी एक भूत देखा। बाप रे, दिन में भी भूत कुछ नहीं होता, वैसे भी जब कालिया हो साथ तो डरने की क्या बात। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं कहाँ है भूत। ये तो बस एक छोटा सा तूफान है, इसमें डरने की क्या बात है? ये छोटा सा तूफान नहीं है कालिया, बवंडर है। हमें जंगल जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों, चलिए चलो। अरे हमारे पीछे ही आ रहा है। Oh!
आखिर तुम हो कौन लड़के? ये है ढोलकपुर का छोटा भीम। नाम तो सुना ही होगा। स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ। शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है? मेरा पालतू होगे तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी, फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियाँ जिंदा हो गई और मुझ पर हमला करने लगी। मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए? माफ करना उस्ताद। लेकिन अब देखना, लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा सबका डर जगा। कर दिया मुझे।
कालिया, जरा मेरी मदद कर दो। चलो। जाऊंगा, मीठा शहद खाऊंगा। मेरा शहद नहीं ले पाएगा। क्या? ये भालू शहद के लिए हमारे पीछे कर रहा था। माफ करना कालिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और तुम्हारी शहद खाने की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। अरे नहीं, मेरा शहद। राजू करो अब खेल खत्म, एक पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू देखते हैं तुम्हारा कमाल, पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे दोनों, ये है इनकी चाल, आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया, लगता है मैं तो गया। उस्ताद, ये आपने क्या कर दिया, हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। समझो मेरी मजबूरी, तुम्हें चुप करना था जरूरी। ऐसा क्यों? जल्दी समझोगे तुम। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्र वर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान?
गिरते ही जा रहा हूँ। सिर्फ एक उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? हाँ? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है, इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी! आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा